वेरी गुड इवनिंग टू ऑल दी एस्पिरेंट्स बच्चों, आप सबका मैं गोपाल आनंद स्वागत करता हूँ अड्डा 24/7 SSC एंड रेलवेज यूट्यूब चैनल पे, एकमात्र ऐसे चैनल जो कि आपको दोनों एग्जाम्स की, सिर्फ इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है, क्योंकि आपने देखना शुरू कर दिया है। थैंक यू, हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके का सपोर्ट, इसी तरीके का ट्रस्ट हमें चाहिए, क्योंकि एक चीज़ हमें अचीव करनी है कि जब आपका पर्पस होगा कि सर हमें तैयारी करनी है SSC की, हमें तैयारी करनी है MTS CGL की, हमें तैयारी करनी है RRBJEE की जो कि एग्जाम आने वाला है, या NTPC की, तो इन सबकी तैयारी के लिए एकमात्र चैनल है, दैट इज अड्डा 24/7 SSC एंड रेलवेज। और आप सबका स्वागत है हमारे द करंट अफेयर्स शो। थैंक यू, दो दिन से शुरू करा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है। गलतियाँ अगर मैं कर भी रहा हूँ, आप सब उसको इग्नोर कर रहे हो, बहुत ही धन्यवाद उस चीज़ों के लिए। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि बच्चों ये स्ट्रीम होता है रात को 9 बजे, और बहुत ही जल्द हम इसको लाइव करना भी शुरू करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। बस इसी तरीके का सपोर्ट, इसी तरीके का ट्रस्ट हमें दिखाते जाइएगा। जो जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैं देख, ऑब्वियसली सब लोग तो नहीं करते होमवर्क, बट कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कि रेगुलरली कमेंट्स करते जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस पे। बच्चों मेरा एक गारंटी है, वो गारंटी ये है कि जो भी क्वेश्चंस मैं इन करंट अफेयर से निकाल रहा हूँ वो SSC और RRBEE के लेवल के ही है। इवन आज का जो शो मैं बना रहा था, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ मेरे लिए ये हुई कि जब मैं आज के करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करे तो उसमें से अराउंड 4 से 5 बैंकिंग थे, और जो मैं 10 पढ़ाने वाला था मैंने 5 कैंसिल कर दिए। तो आज हम 6 से 7 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और जो नॉन बैंकिंग वाले हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इस शो में मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ वो करंट अफेयर्स की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर SSC एंड RRBEE एग्जामिनेशंस। तो आज है हमारा 25th of April, और आज की शुरुआत हम करेंगे विद सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बच्चों एक 25th अप्रैल को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है? ये और बाकी करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं विद द करंट अफेयर्स शो 25th of April 2019। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड जो मैं बता चुका हूँ आपको, दिस इज यूजफुल फॉर RRBEE, NTPC एंड ऑल दी अपकमिंग SSC एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट वन। और बच्चों ये मैं आपको रेगुलरली बताता जाऊंगा जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा भाई, SSC.com और Adda247 ऐप दो ऐसे मीडियम्स जहाँ पे आपको दिया जाता है फ्री कंटेंट। आप इस चैनल के थ्रू वीडियोस देख रहे हो, ये वीडियोस आप यूट्यूब की जगह आप हमारे ऐप से भी देख सकते हो, दैट इज Adda247 ऐप, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में अवेलेबल है। और SSC.com एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रॉपर स्टडी प्लान, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है? तो आप शुरू करते हैं आज का द करंट अफेयर शो यूजफुल फॉर SSC एंड रेलवेज एग्जामिनेशन। द फर्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये है मेरा कल का होमवर्क जो मैंने आप लोगों को दिया था, कल के 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था हेडक्वार्टर ऑफ असोचाम, दूसरा था इंडोनेशिया की कैपिटल, तीसरा था करेंसी ऑफ इसराइल, और चौथा था कैपिटल ऑफ रशिया। और ये है उसके आंसर्स। आंसर 1, हेडक्वार्टर ऑफ असोचाम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। आंसर 2, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया क्या है? जकार्ता। करेंसी ऑफ इसराइल क्या है? आंसर 3 इज न्यू शेकेल। एंड कैपिटल ऑफ रशिया क्या है? के है मॉस्को। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, उन सबको जिन्होंने इसका सही आंसर लगाया या सही आंसर हमारे कमेंट्स में दिया। और अब हम चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पे। नेक्स्ट वन प्लीज। तो बच्चों ये है आज की टॉप न्यूज। सबसे पहला, अब ये मत सोचना कि सर RBI है तो बैंकिंग से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं है। RBI को आपको ये समझना है कि आपके कंट्री का वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है? आपकी कंट्री का सब बैंकों का वो क्या है? वो बाप है, द बाप ऑफ ऑल बैंक्स, जिसको हम कहते हैं RBI। तो RBI का ने अपना जो हिस्सा था, अपनी जो हिस्सेदारी थी NHB और NABARD की, वो बेच दी। किसको बेची अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा स्पोर्ट्स न्यूज़ है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 अभी फिनिश हुई है। कहाँ पे हुई है? दोहा में फिनिश हुई है। अभी डिस्कस करेंगे इंडिया की क्या रैंकिंग रही। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड मलेरिया डे आज ऑब्जर्व करा गया है। चौथा, ईरान और पाकिस्तान टू सेट अप अ फोर्स। अब क्या फोर्स है? अगेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस पूरी डिटेल में, एकदम इसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड द फिफ्थ वन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो है वो लॉन्च करी गई है। तो दो न्यूज़ इज इंटरलिंक्ड, और इसके अलावा कुछ मर्जर, कुछ
टेक ओवर्स, कुछ नए अपॉइंटमेंट की थी, बट अगेन टू बी ऑनेस्ट विद यू यार, वो बैंकिंग की थी इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि हमने बता दिया है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स भी अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको SSC और रेलवेज वाले ही पढ़ाऊँगा. तो चलो अब पढ़ते हैं इन डिटेल द फर्स्ट वन. RBI सेल्स एंटायर स्टेक. बच्चों एंटायर स्टेक का मतलब क्या है, जितना भी हिस्सेदारी RBI का था किसमें, कट टू कट पे आते हैं, RBI का जितना भी हिस्सा था किसमें, नबार्ड में और NHB में, वो उसने क्या कर दिया, वो उसने बेच दिया. ठीक है, वो उसने क्या कर दिया, वो उसने बेच दिया. किसको बेचा, अभी यहीं पे डिस्कस कर लिया, टू GOI. और GOI तो सबको पता होगा, भारतीय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया. तो आपका क्वेश्चन यहां से यही बनेगा कि RBI ने नबार्ड और NHB की जो अपने हिस्सेदारी थी वो किसको बेची, तो आंसर विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय सरकार. क्लियर. अब एक बार देखते हैं करंट अफेयर्स क्या है. द RBI डाइवेस्टेड इट्स एंटायर स्टेक हेल्ड इन NHB. NHB दैट इज द नेशनल हाउसिंग बैंक. एंड नबार्ड दूसरा, एक बार स्क्रीन दिखाई दीजिए प्लीज. नबार्ड विच इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो बेच दिया, किसको बेचा, टू द गवर्नमेंट. अब इन दोनों, मतलब नबार्ड की 100% हिस्सेदारी और NHB की 100% हिस्सेदारी, अब कौन होल्ड करता है, अब सरकार करती है. ठीक है, विच नाउ होल्ड्स 100% इन दीज एंटिटीज, इन इन ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हिस्सेदारी या 100% हिस्सेदारी जो है वो कौन होल्ड करता है, अब हमारी भारतीय सरकार. क्लियर सबको. और दूसरा पढ़ सकते हैं कि RBI हैड 100% शेयर होल्डिंग, मतलब जो NHB का RBI के पास पूरा परसेंट था, उसने पूरा का पूरा बेच दिया, किसको, सरकार को. और नबार्ड में उसकी जो हिस्सेदारी थी वो 72.5% थी, वो भी किसको बेचती, भारतीय सरकार को बेचती. क्लियर सबको, पक्का. अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आज का, फर्स्ट क्वेश्चन. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का आपको हेडक्वार्टर बताना है. RBI का मैं बताया था, RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में. ठीक है, अब आपको हेडक्वार्टर बताना है NHB और नबार्ड का. पहला क्वेश्चन आज का, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वन पे. इंपॉर्टेंट है, अभी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई और कहां पर फिनिश हुई, दोहा में फिनिश हुई. दोहा कहां पे है, कतर में है. और अगेन कट टू कट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंडिया की रैंक. तो इंडिया की जो रैंक आई वो थी फोर्थ, मतलब इंडिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे था. ठीक है, इंडिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे था. एक बार पढ़ते हैं दोबारा से. तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड 2019 कहां पर हुई, दोहा में हुई, कतर में. फिर ये 23rd चैंपियनशिप थी. ठीक है, तो अभी इसको आप हटाना मत मुझे. ठीक है, तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये थी 23rd, कहां पर हुई, दोहा में हुई. इंडिया की क्या रैंक आई, फोर्थ आई. नेक्स्ट पढ़े तो इंडिया की रैंक फोर्थ थी, जिसमें इंडिया ने 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते. किसने टॉप करा, तो आंसर इज बहरीन. तो बहराइन टॉप द टेबल विद 11 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. और चाइना सेकंड पर था और जापान थर्ड पर था. ठीक है, तो इट इज लाइक दिस. और फिर यहां पे इंडिया, फिर एन चाइना, जापान, इंडिया. ठीक है, क्लियर है. अब सबसे लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन थे इंडिया के गोल्ड विनर्स. तो तेजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्ट पुट में इन्होंने गोल्ड जीता. गोमथी मारुमुथु इन्होंने 800 मीटर्स रेस में गोल्ड जीता. एंड PU चित्रा 1500 मीटर्स में इन्होंने गोल्ड जीता. ठीक है बच्चों, क्लियर है, कट टू कट सब समझ में आ गया. अगले पे बढ़ते हैं. ये मैं बता चुका हूं, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यार, हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता कि वर्ल्ड मलेरिया डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है. कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि यार इस साल वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व करा गया, मतलब मनाया गया.
इसकी थीम क्या थी, मतलब क्या एक स्टेटमेंट या क्या वो एक एम जो होता है कि यार इस डे को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है या इसके पीछे मेरा एम क्या है, वो ये है। तो कभी कभी क्वेश्चन उस पर भी आ जाता है, तो पढ़ते हैं हम। चलो, एवरी ईयर ऑन 25th of April पीपल अराउंड द ग्लोब ऑब्जर्व द वर्ल्ड मलेरिया डे टू रेज अवेयरनेस एंड फंड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। का मतलब क्या है कि मलेरिया को किस तरीके से रोका जाए, मलेरिया को किस तरीके से उसके जो एक तरीके से फंड्स हैं, मतलब पैसे देकर या पैसे इकट्ठे कर किस तरीके से अलग अलग देशों में मलेरिया को किस तरीके से ट्रीटमेंट करा जाए, इस चीज़ पे फोकस करने के लिए एक दिन ऑब्जर्व करा जाता है। और वो ऑब्जर्व करा जाता है 25 अप्रैल, और ऑब्वियसली WHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करा कि इस बार का बच्चों जो थीम था वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अब आप थीम समझना, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, मतलब अगर हर कोई ये चीज़ पे फोकस कर ले, यार हर देश ये फोकस कर ले कि भाई हमारे यहाँ जीरो है, हमारे यहाँ जीरो है, हमारे यहाँ जीरो है, तो अल्टीमेटली जब सब देश यही बोलेंगे कि यार जीरो मलेरिया है हमारे यहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इस डिजीज से क्या हो जाएगा, जो पूरा देश पूरा पूरी जो दुनिया है वो क्या हो सकती है इस डिजीज से, इस डिजीज को वो ख़त्म कर सकती है। इसी ऑब्जेक्टिव के पीछे, इसी थीम के पीछे ये ऑब्जर्व करा गया है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एंड कट टू कट, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे और थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। डन, नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ, ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि यार ईरान और पाकिस्तान ने क्या करा है, ईरान और पाकिस्तान ने अग्री करा है टू सेट अप बॉर्डर रिएक्शन फोर्स। तो सबसे पहले अगेन हटाना मत, ईरान और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर अग्री करा है किस चीज के लिए, बॉर्डर प्रोटेक्शन, सॉरी बॉर्डर रिएक्शन फोर्स। अब इसका पर्पस क्या है पढ़ते हैं एक बार। ईरान एंड पाकिस्तान अग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स टू कॉम्बैट द अटैक्स बाय मिलिटेंट ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंटियर। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई मिलिटेंट या कोई भी ग्रुप पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो ईरान और पाकिस्तान की फोर्सेस या ये जो कंबाइंड फोर्सेस है दोनों मिलके उसका सामना करेगी। और सिमिलरली अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप ईरान पे अटैक करता है, तो अगेन ये फोर्सेस उसके लड़ेंगी, उसके अगेंस्ट लड़ेगी। इसलिए दोनों ने मिलकर क्या करा है, एक जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स को बनाया है टू सेटअप टू कॉम्बैट अटैक्स। कॉम्बैट का मतलब कि बचाव कर सके इन अटैक्स के थ्रू। ठीक है, बोथ द नेशंस हैव डिसाइडेड टू कोलाबरेट टू फॉर्म जॉइंट क्विक रिएक्शन फोर्स बाय इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन द बॉर्डर फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस। कट टू कट पे डिस्कस करते हैं, ईरान और पाकिस्तान का मेन पर्पस क्या है कि यार अगर कोई भी मिलिटेंट ग्रुप अगर हमारी कंट्री पे अटैक करता है, तो हमारे पास एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो एकदम क्विकली रिएक्ट करे और एकदम से हम उसको कहीं भेज सके टू फाइट अगेंस्ट द मिलिटेंट ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि ईरान ने किस कंट्री के साथ मिलके, क्या पाकिस्तान ने किस कंट्री के साथ मिलके जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स सेटअप करी है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देखते हैं, दोबारा से दिखा दीजिए प्लीज। तो बोथ द नेशंस हैव डिसाइडेड टू कोलैबोरेट टू फॉर्म द जॉइंट क्विक रिएक्शन फोर्स बाय इंक्रीजिंग कोऑपरेशन, ताकि और ये किस तरीके से क्विक होगा, बहुत जल्दी क्विकनेस इसमें कैसे आएगी, जब दोनों देश की आर्मी या दोनों देश की फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कम्युनिकेशन जो होगा वो तेज होगा। अगेन इट्स अ सपोर्टिंग पॉइंट, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई किन दो कंट्रीज ने मिलकर सेटअप करा एक बॉर्डर रिएक्शन फोर्स, तो आंसर वुड बी ईरान एंड पाकिस्तान। और यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकलता है, दोनों का कैपिटल आपको बताना है आज कमेंट सेक्शन में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यही दिया हुआ है कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त, हसन रूहानी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान। ठीक है बच्चों, क्लियर, सबको समझ में आ गया? यार प्लीज़ अगर समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, कोई चैलेंज हो,
कुछ हो के कोई सजेशन हो सर इस तरीके से और करो तो और अच्छा आएगा, तो यार आई एम ओपन टू दैट, क्योंकि आपको ही पता है मैं बहुत टाइम बाद अप्रॉक्स 3 साल बाद मैंने टीचिंग में वापसी करी है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन प्लीज। आज की लास्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो है वो लॉन्च करी गई, कहाँ पे लॉन्च करी गई? अफ्रीका में। तो यही सबसे पहले क्वेश्चन है कि बताइए कि दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन कहाँ पे लॉन्च करी गई है, तो आंसर विल बी अफ्रीका। बढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन वॉज लॉन्च इन अ पायलट प्रोजेक्ट इन अफ्रीकाज मालावी। अब बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे आया, पायलट प्रोजेक्ट। बच्चों पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ या एक ऐसा प्लान जो कि एक कुछ ही टाइम के लिए या एक टेम्प्ररी प्लान लाया जाता है, कोई भी टेम्प्ररी चीज़ करी जाती है जस्ट टू सी कि उसका रिएक्शन कैसे आ रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ABC स्कीम लॉन्च करी देखने के लिए कि लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स कैसे करा, और अगर लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स करा फिर उस स्कीम को परमानेंट कर दिया जाता है, उस स्कीम को लॉन्ग टर्म स्कीम कर दिया जाता है। तो पायलट बेसिस का मतलब क्या है? टेस्ट करने के लिए कि भाई इसका जो जो वेदर दिस वैक्सीन इज दैट मच स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट मलेरिया और नॉट, क्या वो उसको कर्व कर सकती है क्या नहीं कर सकती, इसीलिए इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लॉन्च करा गया है। कहाँ पे लॉन्च करा गया है? अफ्रीका के मालावी शहर में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द कंट्री इज द फर्स्ट ऑफ द थ्री इन अफ्रीका इन विच द वैक्सीन नोन एज RTSS विल बी मेड अवेलेबल टू द चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज। तो जो वैक्सीन का नाम है वो भी क्या है? RTSS। बस अब इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बना, ठीक है। तो क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन कहाँ पे लॉन्च करी गई? आंसर विल बी अफ्रीका। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? तो आपको आंसर देना है इन द कमेंट्स सेक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज। ये है बच्चों आज के हमारे 3 क्वेश्चंस, हेडक्वार्टर ऑफ NHBN नबार्ड आपको बताना है, कैपिटल ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आपको बताना है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अब जल्दी से एक बार तीनों देख, एक बार सारी आज की हेडलाइंस देख लेते हैं, रिकॉर्डेड है, बहुत जल्दी हम इसको लाइव लेकर आने वाले हैं। जो भी पॉइंट्स हो मैं रोज़ रात को देखता हूँ कि जो बच्चों के आप लोग जो कमेंट्स करे, तो अभी भी मैं कमेंट्स पे होऊंगा, कोई भी सजेशन है तो अभी भी आप डाल सकते हो। जल्दी से यार एक बार हेडलाइन वाला दिखा दीजिए। तो ये थी हमारी आज की हेडलाइंस RBI। अब हम इसको आंसर करते हैं, RBI ने अपना एंटायर स्टेक सेल करा किसका? NHB और नबार्ड का, किसको? टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, कहाँ पर हुई? दोहा में। इंडिया की रैंक 4th और टॉप किसने करा? फेरियन ने। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करा गया 25 अप्रैल को, और ईरान और पाकिस्तान ने मिलके सेटअप करा, क्या सेटअप करा? बॉर्डर रिएक्शन फोर्स, ताकि अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप अटैक करे किसी भी कंट्री पे, तो ये फोर्स सबसे पहले उसको डिफेंड करे। एंड द लास्ट वन, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च हुई कहाँ पे? अफ्रीका में मालावी में, ठीक है। और फिर लास्ट मैंने होमवर्क दे ही दिया है, अब एक बार जल्दी से लास्ट स्लाइड पे आ जाइए, क्वेश्चंस वाली स्लाइड जहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चंस दिए थे। तो ये हमारा आज का होमवर्क है, हेडक्वार्टर बताना है, कैपिटल बताना है, डायरेक्टर जनरल बताना है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो बच्चों ये है, आप सबको पता है MTS का एग्जाम आ चुका है, तो ये हमारा वीडियो कोर्स जो है वो लाइव हो चुका है, SSC MTS Paper 1 के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स। 450 लेक्चर्स है, 30+ मॉक टेस्ट है, 200+ बुक्स है, एट द रेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 4449, ठीक है। कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी ID है gopal.anand@adda247.com। कुछ भी डाउट है मेल यहाँ पे करो, आंसर आएगा 24 आवर्स के अंदर। तो ऑन दिस नोट, आई योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल आनंद विद द करंट अफेयर शो 25th of April, और कल मिलते हैं हम फॉर द 26th April शो। थैंक यू।